डीएनएन पर नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। कुछ सुझाव भी सीएम को मिले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह चर्चा की गई है। जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों ने कई सुझाव दिए हैं। इनमें एक सुझाव यह भी है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। ये सुझाव भी निकलकर सामने आया है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से चर्चा की है। लगातार कोरोना के प्रकोप को लेकर सीएम शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों ने तीन उपाय प्रमुख भी बताए हैं, मास्क का उपयोग, परस्पर दूरी और बेहतर उपचार। इस बैठक का आयोजन सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की सलाह दी। समय में भी कोरोना वॉरियर्स जुटे हुए हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। तमाम यहां पर कुछ सुझाव भी दिए गए हैं जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट सदस्यों की ओर से। और फोनलाइन पर महेंद्र विश्वकर्मा जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, एक अहम बैठक जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों के साथ, क्या कुछ सुझाव दिए हैं, विस्तार से जानें। बिल्कुल अंकुश, दरअसल मुख्यमंत्री बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं, कोरोना की समीक्षा लगातार कर रहे हैं और चाहे हाई लेवल मीटिंग हो या आप देखें कि जिलों से चर्चा, जिस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट के लोग हैं जो जिलों में हैं, जो तय करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उनसे डायरेक्ट फीडबैक लेने का काम आज मुख्यमंत्री ने किया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से भी कहा है कि तीन प्रमुख उपाय हैं, उन्होंने सुझाव दिया है कि पहले तो सामाजिक उपाय हैं जो आप मास्क का उपयोग करें, परस्पर दूरी बनाए रखें और बेहतर उपचार की व्यवस्था उन्हें हो सके ये सुनिश्चित करें। तो इस लिहाज से उन्होंने जो है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से बात की। प्रदेश में जो जन जागरण यानी कि जागरूकता लाने के लिए जो भी उपाय संभव हो वो किए जाएं, उन्होंने मुख्यमंत्री ने ये भी कहा। कठिन हालातों में जिस तरीके से बैरियर जुटे हैं उनका जो सम्मान है वो तो खैर बाद में किया ही जाएगा, लेकिन अभी जिस तरीके से वो जुटे हैं उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता फिलहाल अभी सीएम ने जताई है। सीएम ने कहा कि 11 अप्रैल और 14 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री की लाइन है, 11 और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और ज्योतिबा फुले की जयंती है, उस पर जिस तरीके से टीकाकरण की तैयारी है वो की जाए और बाकी बहुत सारी चीजों पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। और ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को सलाह भी दी है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, जिन जिलों में ज्यादा संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं या संक्रमण को रोकने की दिशा में एक प्रयास ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन की अवधि थोड़ा बढ़ाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से 5,000 सदस्य कल मिले, 24 की मौत हुई, तो ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं अंकुश। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम ने इस पर भी चिंता जाहिर की है क्योंकि 5,000 केस निकल कर सामने आए हैं, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों की जो बैठक हुई है इस दौरान कई सुझाव भी दिए हैं मैनेजमेंट के सदस्यों ने, और एक सुझाव अहम ये भी है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। अब ऐसे में सीएम ने इस सुझाव पर गौर करने की बात भी कही है।